देश का पहला चैनल जो राम मंदिर के अंदर प्रवेश करके आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। और रात के वक्त आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये तस्वीरें देखिए आप, कितना भव्य और दिव्य ये राम मंदिर नजर आ रहा है। चारों तरफ फूलों से सजा हुआ, रोशनी से नहाया हुआ, और आप एक एक तस्वीर देखते चलिए। ये राम मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। उस तरफ आप देखिए जो मंडपम बना हुआ है, वहां अगर आप देखेंगे, इस तरफ देखिए, बाईं तरफ मेरे, वहां देखिए पूरी रोशनी से नहाए हुए राम मंदिर को आप देख रहे हैं। लाल रोशनी से पूरा मंडपम नहाया हुआ, जय श्री राम लिखा हुआ। और यहाँ ये भव्य तस्वीरें आप राम मंदिर की देखिए। कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आगे आइए, दिखाइए जरा यहाँ ये तस्वीरें दिखाइए। ये वो रास्ता जो आपको राम मंदिर में लेकर जाएगा, उसकी तस्वीरें देखिए। यहाँ पर मैं अपनी जूते उतार दूं, और ये बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का पल है कि हम राम मंदिर में आपको भी लेकर जा पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए एक एक चीज, एक एक डिटेल को देखते जाइए, क्योंकि देश भर में लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तस्वीरें देखी, लेकिन डिटेल हम आपको नव भारत पर दिखा रहे हैं। इन फूलों को देखिए, ये इतनी खूबसूरत तरीके से इन पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है इस गलियारे को। यानी आप जैसे ही राम मंदिर में प्रवेश करेंगे, आपको हर रंग के, लाल, पीले, सफेद, बैंगनी और तरह के, ये खूबसूरत गुलाब देखिए, आपको हर तस्वीर देखकर आपका जो है वो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे आप। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। और आप देखिए, अब हम आपको राम मंदिर के अंदर थोड़ा ऊपर ले आए, यहाँ से दिखाइए दर्शकों को, जिन्होंने सुबह कार्यक्रम देखा होगा। ये देखिए, ये वो इलाका था, ये वो हिस्सा था जो आपने सुबह देखा था, जहाँ तमाम मेहमान बैठे हुए थे, लेकिन अब वो हिस्सा खाली है। और अब मैं आपको राम मंदिर के अंदर की एक एक तस्वीर, ये देखिए, यहाँ रात में इलेक्ट्रॉनिक दिए, प्रभु राम जब लौटे होंगे लंका से तब दिए जले होंगे, लेकिन यहाँ पर ये वो तेल वाले दिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक दिए लगे हुए हैं। आइए अब आपको अंदर ले चलता हूँ और राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ओ आपका मन मोह लेने वाली तस्वीरें हैं ये। जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या दरवाजा, क्या खूबसूरती। यहाँ जैसे ही आप घुसते हैं, आप देखते चले जाइए, आपका मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाएगा। आपने कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन राम मंदिर में आना और इस पूरी छटा में खो जाना, राममय हो जाना। आप देखिए ऊपर जो है, जो फूलों से सजाया गया हिस्सा है, इतना खूबसूरत। और एक एक नक्काशी देखिए ऊपर, सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन साथ ही फूल बने हुए हैं, स्वास्तिक बना हुआ है दीवारों पर। आप एक एक नक्काशी देखिए, डिटेलिंग देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। और अब मैं आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर टाइम्स नाउ नव भारत के लिए मैं आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, पहली बार टीवी पर पहला न्यूज चैनल जो आपको गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए रामलला को, भव्य रामलला के दर्शन कर लीजिए। आपने आज सुबह तस्वीर देखी होगी, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो उस भव्य रास्ते से होते हुए यहाँ दिखाइए। इस वक्त यहाँ पर आरती होने जा रही है, तो आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आरती भी दिखाएंगे। राम मंदिर में पहली बार जो आरती हो रही है, उसके आप साक्षी बनेंगे। ये तस्वीर देखिए, जिस तरह से मंडप सजता है, उस तरह से राम मंदिर इस वक्त सजा हुआ है। और इतनी खूबसूरत छटा चारों तरफ बिखरी हुई, ये सोने के दरवाजे, जय श्री राम, जय श्री राम। सोने के दरवाजे देखिए, नक्काशी देखिए, फूलों को देखिए, जिधर आप देखेंगे आपका मन जो है वो राममय होता चला जाएगा। इन तस्वीरों को देखिए, ये पूरे मोर की नक्काशी है, बड़ा सा लॉक लगा हुआ है। ये सिटकनी देखिए कितनी लंबी, मुझे लगता है 3-4 फीट की सिटकनी है। और ऐसे 14 दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये सारे सोने के दरवाजे, ये हैंडल सोने का, ये सिटकनी सोने की, इसमें जो पेंच लगा है ये सोने का, सब कुछ सोने का यहाँ पर बना हुआ है। तो पहली बार राम मंदिर के अंदर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ प्रार्थना भी लिखी हुई है, और ये भी मुझे लग रहा है सोने का ही है, जिस पर लिखा है जयत्य तिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणा भी पालित, दासो हम कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मण, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मज, न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत, शिलाभिश्च प्रहरत पादपैश्च सहस्रश,
अर्धियत्वा पुरी लंकामन विवाद्य च मैथिली समृद्धार्थो गमिष्यामि मिष्टाम सर्वरक्षिषाम वाल्मीकि रामायण। ये वाल्मीकि रामायण में से ये मंत्रोच्चार यहाँ पर। आपको और दरवाजे दिखाता हूँ, ये सोने के दरवाजे देखते चलिए, ये भी सोने का दरवाजा, ये भी एक और दरवाजा देखिए जो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर गजराज बने हुए हैं, ये तस्वीर देखिए यहाँ गजराज बने हुए हैं, सोने की नक्काशी, यहाँ नीचे फूल बने हुए, इतनी खूबसूरत छटा, ऊपर जो है वो नृत्य करती हुई अप्सरा बनी हुई है। यानी प्रभु राम के इस लोक में जब आप घुसेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने कुछ अद्भुत देखा है। और यहाँ देखिए जिस तरह से तस्वीर है, सारे लोग प्रसन्न अभिभूत। और ये देखिए यहाँ पर भी आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ, ये भी एक मंडपम की तरह आपको तस्वीर दिखेगी। यहाँ ऊपर की नक्काशी देखिए, बस यहीं से दिखा रहा हूँ, ये ऊपर की नक्काशी देख लीजिए कितना खूबसूरत, एक एक काम, बारीकी देखिए आप, कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया। इस जरा अप्सरा को दिखाइए नृत्य करती हुई, इस पूरे पत्थर में आप देखिए कैसे अप्सराएं उकेरी गई हैं, जो कि अपने आप में दिखाती हैं कि कितने कम समय में कितना शानदार काम इस राम मंदिर में हुआ है। यहाँ आप देखिए जिस तरह से पुराने जमाने में नक्काशी होती थी और कई कई सालों में मंदिर बनते थे, वैसे यहाँ बने हुए। ये देखिए इधर भी आप देखेंगे, यहाँ भी आपको जो नक्काशी है बड़ी शानदार और बड़ी खूबसूरत दिखेगी। अब आपको राम मंदिर का अगला हिस्सा भी दिखाता हूँ, आइए उधर का हिस्सा दिखाता हूँ। ये राम मंदिर का भी आपने एक हिस्सा देखा है, आपको सबसे पहले प्रभु राम के दर्शन कराए, रामलला के दर्शन कराए। जो लोग यहाँ आए हुए हैं और आज रामलला को देख रहे हैं वो सब भावुक हैं, भाव विभोर हैं। हम सच में, हमारी जो पीढ़ी थी, पूर्वज थे, उनका एक सपना था कि आज मंदिर बन जाए, लेकिन हम युवा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज ये मंदिर बन गया है। सब गौरवान्वित है बॉस। जय श्री राम का नारा लग रहा है, आप देखिए। और अब मैं आपको दूसरी तरफ लिए चलता हूँ, इस तरफ से आइए। आपको मैंने सबसे पहले रामलला के दर्शन कराए, अब आपको इस तरफ से लिए चलता हूँ। और देखिए जितने सुरक्षा कर्मी हैं वो भी फोटो खिंचा के घर भेजेंगे कि हमने यहाँ सिर्फ सुरक्षा नहीं दी, प्रभु राम की सेवा भी की है। अब आपको इस तरफ से लिए चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर आप देखेंगे कि कितना शानदार कार्यक्रम हुआ है। ये देखिए एक बार ऊपर इस गुम्बद को देखिए, जरा इस तस्वीर को देखिए, इसे बार बार दिखाया जा रहा था। आप देखिए ऊपर से जो है इतनी शानदार मंडप है ये, और यहाँ पर जितनी अप्सराएं बनी हैं उन्होंने हाथ में माला ले रखा है, जैसे वो प्रभु राम को माला पहना रही हूँ। उसके ऊपर जो है वो मोर बने हुए हैं, सबसे ऊपर के हिस्से में वीणा वादन हो रहा है, और बीच में आप देखेंगे क्या नक्काशी है। मतलब आप देखेंगे तो मंत्र मुग्ध होकर रह जाएंगे कि आपने शायद ही किसी मंदिर में इतना खूबसूरत काम देखा होगा। उसके नीचे के हिस्से में आप देखिए, नीचे के हिस्से में दिखाइए, ये जो फूलों से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर काम, बहुत ही सुंदर और भव्य राम मंदिर नजर आता हुआ। पहला चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत जो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इधर देखिए और आते जाइए, ये देखिए, ये नक्काशी देखिए, क्या जबरदस्त है। ये एक एक देखते जाइए कितनी खूबसूरती से, एक एक देवी देवता को, ये देखिए माँ सरस्वती वीणा ली हुई हाथ में उनको उकेरा गया है। ये गणेश जी को देखिए, नीचे दिखाइए गणेश जी, ये गणेश जी को देखिए, ये गणेश जी यहाँ पर बनाए गए हैं, और सारे जो हैं ये पत्थरों को की नक्काशी करके बनाए गए हैं। आप देखिए ऐसा नहीं है कि ऊपर से लगा दिया गया है, इन्हीं पत्थरों को काट कर तराश कर ये सारे जो आपको कलाकृतियां दिख रही हैं, जो आपको देवी देवता दिख रहे हैं वो बनाए गए हैं, और इनको बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। जरा एक बार बाहर की तस्वीर भी दिखाता हूँ राम मंदिर की, फिर आपको अंदर लेकर आऊंगा। जरा देखिए बाहर क्या दिखता है, अभी आपने रामलला के दर्शन किए, अब जरा बाहर की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए जरा बाहर की तस्वीर, आइए, हाँ अभी लेते हैं सेल्फी बाद में, पहले राम लला की ये तस्वीर, ये मंदिर लोगों को देख लेने दीजिए, कितना भव्य और दिव्य मंदिर दिख रहा है। और अब आप देखिए ये मुख्य द्वार जहाँ से आपकी एंट्री होगी, यहाँ से आप अंदर आएंगे, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर की तरफ आए थे, और उसके बाद उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न किया। तो ये, और ये वो मंच है, देखिए आपने ये मंच देखा था जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, योगी आदित्यनाथ बैठे थे, मोहन भागवत बैठे थे, ये वो जगह है जहाँ सारे बड़े नेता बैठे हुए थे, और यहीं से वो कार्यक्रम किया गया था। अब जरा मुख्य द्वार दिखाइए, ये जो हिस्सा है, अब आपको
ग्रैंडनेस पता चलेगी इस मंदिर की कि कितना बड़ा मंदिर बनाया गया है। और इसमें आप देखिए एक तरफ दो आपको सिंह दिख रहे हैं, जय जय श्री राम, और सामने देखिए जय श्री राम, और उसमें दीवार पर देखिए आपको प्रभु श्री राम और माता सीता का स्वरूप दिखता हुआ। लाइट के जरिए इसे उकेरा गया है। जरा और पास जाकर दिखाइए, ये देखिए दीवार में ओम जय श्री राम लिखा हुआ, लेकिन नीचे देखिए दीवार में माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों की छवि साफ नजर आती हुई। नीचे देखिए लोग नृत्य कर रहे हैं। राम मंदिर में आज दिवाली है, पूरे देश में दिवाली है। जरा हट जाइए सर, सर थोड़ा सा हटिए, दिखाने दीजिए। ये देखिए तस्वीरें राम मंदिर के अंदर की। आज यहाँ कोई सोएगा नहीं, सब नाच रहे हैं, सब दिव्य हो रखा है, सब लोग मस्त हो रखे हैं। तस्वीरें देखिए आप, क्या शानदार कार्यक्रम, क्या भव्य कार्यक्रम। आपके सामने तस्वीरें हैं, ये देखते चलिए। पुलिस वाले आने के लिए कैसे कर रहे हैं, उनको भी रोका जा रहा है। अब आपको दिखाता हूँ, आप देखिए पुलिस वाले भाई लोग भी आना चाहते हैं, उनको भी रोका गया है। ऐसा नहीं है कि आम लोगों की व्यवस्था जो है वो नहीं की गई। पुलिस वाले भाई लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा हम भी घुस जाएं। बगल में ये गजराज दिखाइए, ये गजराज खड़े हैं। इसमें नक्काशी देखिए, सब बड़े बड़े पत्थरों को काट कर बनाया गया है। यहाँ सिंह दिखाइए, ये सिंह द्वार, ये गज द्वार, और वहाँ हनुमान जी बजरंग बली की इजाजत के बिना प्रभु श्री राम के दर्शन कैसे करेंगे। तो वहाँ बजरंग बली बनाए गए हैं, और ये संगमरमर के की सीढ़ियां जिससे आप चढ़ते हुए ऊपर चले जाएंगे। और जैसे ही आप ऊपर आएंगे यहाँ पर आपको महसूस होगा कि आपने कुछ बहुत ही शानदार देखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बरसों का इंतजार है वो कसक खत्म हो जाएगी, लेकिन आप एक बार के लिए आएंगे तो लगेगा चलो कोई बात नहीं इंतजार था, लेकिन जब इंतजार खत्म हुआ है तो कितना शानदार पल निकल कर आया। ये देखिए लोगों की भावनाएं देखिए किस तरह से। आपको इस मंदिर की परिक्रमा करने का भी मौका मिलेगा। तो आसपास का जो हिस्सा बनाया गया है वो भी खूब चौड़ा बनाया गया है कि आप आराम से आइए। अच्छा यहाँ पर भी देखिए फूल लगाए गए हैं, सुंदर फूल। मतलब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको हर वक्त जो है आह्लादित महसूस होगा। सर कैसे हैं आप? ये देखिए चारों तरफ दिए, इलेक्ट्रॉनिक दिए लगे हैं और नीचे फूल। और ये देखिए अब जरा मंदिर का एरिया दिखाइए, कितना भव्य और बड़ा मंदिर है। मतलब आप जिधर तक देखिएगा नजर जाएगी उधर तक कुर्सियां। तो आज जो कार्यक्रम था उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पवन पुत्र की एक और मूर्ति जिसमें वो नमन कर रहे हैं। जरा तस्वीर देखिए, कैसा लगा मंदिर में आके आप लोगों, जरा बताइए आइए मंदिर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आया? एकदम जबरदस्त, ऐसा मंदिर देखे हैं कभी नहीं, स्वर्ग से भी अच्छा। अरे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे स्वर्ग में खड़े हैं। बहुत अच्छा बना है, लेट हुआ लेकिन अच्छा बना है। यही मैंने कहा कि भले आप देखिए 500 साल पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन यह है कि जब बन गया है तो किसी को अफसोस नहीं हो रहा है। अच्छा रामलला की मूर्ति कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, बहुत ही मनमोहक, नजर ही नहीं हटती, नजर ही नहीं हटती। अच्छा टीवी पे जैसी दिख रही है उससे सामने थोड़ी अलग दिख रही है, सामने और आपको लग रहा है? बहुत अच्छी, सामने बहुत दिव्य दिख रही है, जैसा मंदिर दिव्य है उससे अधिक मूर्ति दिव्य है। ऐसे उसमें सही में प्राण है, प्राण है। ये आपने सही शब्द कि आप जब सामने से देखिएगा तो आपको सामने बैठे हो रामलला हमारे सामने, सामने से जब आप मूर्ति को देखिएगा तो आपको लगेगा कि रामलला आपके सामने। हाँ मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये बहुत बड़ा कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों को जिन्होंने इसमें श्रम किया, उन कार सेवकों को जिन्होंने बलिदान दिया, उन लोगों को जिन्होंने अथक प्रयास किया। और इसीलिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इस मंदिर के चार चक्कर लगाकर। यहाँ देखिए, यहाँ जय श्री राम गेंदे के फूलों से जय श्री राम लिखा हुआ, हर तरफ से मंदिर सजा हुआ है। और राम में देश नहीं दुनिया हो रखी है, उसकी वजह आपके सामने है। पहली बार आप राम मंदिर को देख रहे हैं। देखिए भगवान श्री राम की जो मूर्ति है, रामलला की जो मूर्ति है, मैंने आपसे कहा कि आप सामने से देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्या गजब है, एकदम साक्षात आप रामलला से मिल रहे हैं। लेकिन हम यही कर सकते थे कि आपके लिए सबसे पहले वो तस्वीरें नवभारत पर लाइए। फूल देखिए, ये फूल से मोर बना दिया गया है, ये देख रहे हैं कितना शानदार नक्काशी देखिए, और साथ में उसके आगे फूल देखिए कितने खूबसूरत ढंग से फूलों से मोर को उकेर दिया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए, ये दाहिनी तरफ आप जब आएंगे तो ये द्वार यहाँ दाहिनी तरफ से दिखता है, और यहाँ की भी नक्काशी देख लीजिए आप। हर
तरफ से आप जो है हर तरफ से राम मंदिर को देखते चलिए, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अगला द्वार दिखाया। आप दाहिनी तरफ से आएंगे तो कैसा द्वार है, कुल 18 द्वार हैं और ये ग्राउंड फ्लोर का बता रहा हूँ, ये 18 द्वार, फर्स्ट फ्लोर पे 18 द्वार और उसके ऊपर 15 द्वार होंगे। ये देखिए एक बार मोर दिखाइए, कितना खूबसूरत फूलों से मोर बनाया गया, ये देखिए क्या शानदार तरीके से, पीछे आके जरा जूम आउट करके रुक जाइए, अभी देखिए कितना शानदार। अब आप यहां से थोड़ा इस तरफ आइए, आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप परिक्रमा करते हुए जब आप ऊपर आएंगे पूरा राम मंदिर आपको टाइम्स नाउ भारत पर पहली बार देश देख रहा है राम मंदिर को पूरी तरह से, अंदर आपको गर्भगृह दिखाया, रामलला के दर्शन कराए, पूरा मंदिर आपको एक बार में दिखा दे रहा हूँ। जो लोग नहीं आ पाए आज टीवी को छू लीजिए, नव भारत देखते देखते टीवी को छूए और आशीर्वाद लीजिए। ये देखिए क्या शानदार नक्काशी, क्या खूबसूरत काम हुआ है। अब आप तस्वीर देखिए, अब आपको ले आया हूँ उस जगह पर जहाँ पर हवन कुंड बनाया गया, ये देखिए ये ऊपर शानदार नक्काशी हवन हुआ है और आप समझिए संतों ने दिव्य आहुति करके हवन करके रामलला को इसके बाद विराजमान किया है। और आपका ये बहुत ही मूर्ति आपकी अकल्पनीय और अविश्वसनीय है, जो देखकर लोगों के अपने अंदर जिस तरह वो गर्भगृह में विराजमान है उसी प्रकार पूरा देश और पूरा विश्व इनको देख रहा है और उसको देखने के बाद अंदर हर्षोल्लासित हो रहा है, बिल्कुल हर्षोल्लास से भरा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये हवन कुंड अभी तो ये जो है वो पत्थर से बना हुआ, लेकिन इसके ऊपर मुझे लगता है और काम होगा और इसे और हवन कुंड जो है और बेहतर जो है वो किया जाएगा। लेकिन आसपास की नक्काशी देखिए, ऐसा लगता है आप त्रेता युग में हैं, किसी महल के अंदर हैं। ये मंदिर का एक महल ज्यादा लगता है और प्रभु राम जिन्होंने 500 साल इंतजार किया इस पल का, राम भक्तों ने इंतजार किया इस पल का और प्रभु श्री राम जिन्हें टेंट में रहना पड़ा वो टेंट से निकलकर अब वास्तव में आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं वास्तव में वो महल के अंदर आए हैं। और आप देखिए इन सोने के दरवाजों के पास लोग फोटो खिंचा रहे हैं, सर को चिंता हो रही है कहीं दरवाजा निकालना ले लोग तो ये तस्वीर देखिए भाई, जय श्री राम। ये देखिए अंदर सफाई चलती हुई, माहौल देखिए कैसे है आप। ये जो दीवार है इसको देखिए, यहाँ पूरे फूल और पत्ते बनाए गए हैं, पूरी नक्काशी की गई है। ये देखिए इस दीवार को थोड़ा पीछे से दिखाइए, कितना खूबसूरत ये पल, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर। इस वक्त रामलला के इस मंदिर में आपको हम लेकर आए हैं और अब आपको बाहर एक बार फिर से लिए चलता हूँ और आपको पूरी परिक्रमा जो मैं करा रहा था वो भी दिखाता हूँ। पूरी परिक्रमा जो होगी वो कैसी होगी जरा इसको देख लीजिए, मुझे बाहर दीजिए, मुझे बाहर आइए आइए। तो ये तस्वीर राम मंदिर की, आइए भैया आइए आइए बाहर आइए आइए, हमारे कैमरा पर्सन पानी दीजिए। अब आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ, जल्दी सेल्फी लीजिए सर, जल्दी लीजिए, बहुत बढ़िया, चलिए आइए। तो ये राम मंदिर का एक हिस्सा आपको दिखा दिया और देखिए जैसे अगर प्रभु राम का महल होता तो खिड़कियां होती तो वैसे खिड़की का रूप दिया गया है। हर एक चीज आप देखते चलिए किस तरह से बनाई गई है, गजराज के ऊपर जो है वो शंख पर प्रभु बैठे हुए, सारी चीजें इतनी सुंदर है ना, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने भी कई मंदिर देखे हैं लेकिन ऐसा नहीं देखा। हमारे सहयोगी सत्या मौजूद है, सत्या आप तो बहुत धार्मिक कामों में रहते हैं, बताइए ऐसा मंदिर देखा है नहीं देखा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं, ये एकदम अलग किस्म का मंदिर और यहाँ आते ही इस मंदिर में आपको बिल्कुल एक देवत्व का अनुभव होगा। इधर से आई तो पीछे मंदिर दिखता है, शानदार अनुभूति। हाँ। शानदार इस मंदिर में आपको क्या अलग दिख रहा है? बड़े उतनी ही सुंदर रामलला की प्रतिमा और उतना ही सुंदर मंदिर। अच्छा एक चीज मुझे लगी कि रामलला की जो प्रतिमा है वो टीवी पे जैसी दिख रही है उससे और जीवंत एकदम सामने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सामने से कोई फोन में या कहीं पे जो देख रहा है वो लग रहा है कि अब ये प्रतिमा बोल उठेगी। अभी हमारे एक दर्शक कह रहे थे कि लगता है जैसे कि प्रतिमा के अंदर प्राण है, वो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही कुछ है, प्राण प्रतिष्ठा एकदम बिल्कुल ऐसा करके ऐसा भावुक पल है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं तो मतलब सब भावुक हो रहे हैं, आप पत्रकार हो आप कोई हो सब भावुक हो रहे हैं सर। मेडिकल सर्विस, अरे वाह सर, आज आपका भाव क्या है जरा बताइए। जी जी बहुत बढ़िया, आज तकरीबन 7,500 लोग यहाँ पर थे, विशेष लोग यहाँ पर मौजूद थे और तकरीबन 2.5 करोड़ लोग अगले एक हफ्ते में आने की उम्मीद है और मैं कंप्लीट राम जन्मभूमि मेडिकल सर्विस। एक हफ्ते में 2.5 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद, लोगों के आने की उम्मीद है क्योंकि इतनी भीड़ है बाहर, इतनी भीड़ है और आप किस्मत वाले हैं चैनल भी जो मंदिर के अंदर पहुंचा है। सही बात, और रियली हम सही में बहुत किस्मत वाले हैं कि रामलला आए और हमने उनके दर्शन कर लिए।
मैं हमने आपको भी प्रयास किया है कि दर्शन करा दूं लाइव। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपको यात्रा करनी कैसे है, क्योंकि देखिए हेल्दी यात्रा आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और साथ साथ में आप अपनी दवाई लेकर चले। यहाँ बहुत ठंड है तो उसके हिसाब से कपड़े भी लेकर चले। सही बात। जी जी जी, सही बात। आपके अंदर भले गर्म जोशी भरी हो कि राम लला आ गए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पतले कपड़े लेकर आ जाइए और निकल पड़िए। आप जरा इस तरफ से देखिए, ऊपर देखिए, शिखर देखिए, जहां पर एक लाइट जल रही है जिसे दिए की तरह दिखाया गया है, और नीचे उतरते चले जाइएगा तो आप देखिएगा कितना खूबसूरत सजावट, कितनी खूबसूरत सजावट। मतलब ऐसा लगता है कि अगर वाकई प्रभु श्री राम का महल त्रेता युग में रहा होगा तो ऐसा ही रहा होगा सत्य। और मैं एक चीज आपको सुशांत जी ये बताऊं कि अभी तो फिलहाल आइए चलते चलिए, आप दिखाते रहिए तस्वीरें गई हैं, जिस वजह से भी थोड़ी सुंदरता है अलग, लेकिन जब ये फूल पत्तियां नहीं भी होंगी तो ये स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है कि इससे नजर हटाना मुश्किल है। सही बात, ये सत्या सही बात कह रहे हैं कि हालांकि मुझे लगता है कि फूल पत्तियां हटने की कोई वजह नहीं होगी, इसमें से कुछ कम हो सकती हैं क्योंकि आज ओपनिंग सेरेमनी थी तो इसलिए शायद ज्यादा फूल हैं, लेकिन कल को थोड़े कम भी हो जाए तो भी ये जो मंदिर है ना, ये आपका मन मोह लेगा, और ये फूल तो कहीं नहीं जाने वाले। हाँ भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग? जौनपुर से आए हैं। कैसी लगे और कैसा लगा मंदिर, कैसे लगे रामलला? हम बताएं, 500 वर्षों बाद ये शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते सर, भाव निकल जाएगा। रो रहे हैं हम, 6000 परिवार को अक्षत दिए और उसमें सभी लोग रो पड़े अक्षत पा करके। 500 वर्षों के बाद हम रामलला हमारे विराजे हैं, क्या बताएं, इसके लिए शब्द नहीं है। आज नींद आएगी सबको, बहुत अच्छी नींद नहीं आएगी, हमारे नींद नहीं आएगी, ये खुशी नहीं सो पाएंगे हम, खुशी जो भी हमारे कार सेवक बलिदान हुए थे, आज उनका बलिदान सफल हुआ है, आज उनकी आत्माएं खुश हुए इनकी। देखिए ऊपर से भी लोग भी देख के आशीर्वाद दे रहे होंगे उनके घर वालों को, परिवार वालों को, बस इतना ही कहूंगा, सब रोवा रोवा हम लोग का प्रफुल्लित है। देखिए बोलते बोलते आवाज लड़खड़ा रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, यही तो भाव है। ये कह रहे हैं, मन कर रहा है मंदिर छोड़ के जाए नहीं, पुलिस वाले दौड़ा देंगे। लेकिन आपका भाव सही है, आपका भाव सही है, मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना भावुक नहीं होना है। तो आप तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर जहाँ पर हर कोई प्रभु श्री राम के रामलला के पहले दर्शन के लिए पहुंचा हुआ है, और ये तस्वीर आप देखिए, ये भाव देखिए कि पुलिस वाले भाई लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जरा सेल्फी खींचने में मदद कर दे रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये तस्वीर अब ये राम मंदिर में, आपको थोड़ा बाहर और लेकर चलता हूँ, जरा इस मंडपम की तस्वीर दिखाता हूँ जिसे हमने आपको दिखाया है अभी तक, कि यहाँ पर आपको लाल रंग से ये पूरा देखिए, आतिशबाजी भी शुरू हो गई, जो हम कह रहे थे कि दिवाली है तो वो आतिशबाजी भी लगातार चल रही है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। तो इस मंडपम की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, बहुत बड़ा इलाका है, जैसे वो भाई साहब कह रहे थे कि करीब 2-2.5 करोड़ लोग जो है वो मंदिर में आएंगे, वो दिखता है कि हाँ ये मंदिर एक हफ्ते में 2-2.5 करोड़ लोगों को धीरे धीरे करके जो है, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत है, ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आके कहाँ फंस गए, इतनी जगह है, लेकिन थोड़ी व्यवस्था और मजबूत करनी पड़ेगी। ये देखिए बहुत सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि अंदर घुस जाएं, लेकिन सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो बड़ी चाक चौबंद दिख रही है, और इंतजार हो रहा है कि कैसे मौका मिले तो ये सारे लोग अंदर जाएं। जो यहाँ खड़े हैं उनका इंतजार तो 500 साल से भी लंबा है कि बस ये पल खत्म हो और हम अंदर घुसे। आप प्रभु श्री राम को उनके इस महल में पहुंचता हुआ देख रहे हैं, उस जगह पहुंचता देख रहे हैं जहां हर राम भक्त चाहता था कि प्रभु श्री राम पहुंचे, सालों पहले पहुंचे, इंतजार रहा, लेकिन प्रभु श्री राम ने वो वक्त चुना कि कब उनको यहां आना है, किसके माध्यम से आना है, इसीलिए लोग नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उन्हें चुना प्रभु श्री राम ने कि मुझे यहां तक आना है तो मेरा माध्यम जो है वो नरेंद्र मोदी बनेंगे। एक बार और देखिए, जितनी मूर्तियां देख रहा हूं मन कर रहा है आपको दिखा दूं, ये देखिए भगवान शिव की मूर्ति, डिटेलिंग देखिए, क्या नक्काशी है, क्या खूबसूरत तरीके से ये मंदिर बनाया गया है, सजाया गया है। यहाँ देखिए एक और मूर्ति आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जरा इस तस्वीर को देखिए, ये शिव जी जो हैं वो शिव तांडव करते हुए उसकी तस्वीर है। क्या ऐसा है जो आप छोड़ें, मतलब ये मंदिर तो आप घंटों घूम सकते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन कर लें, उनके अंदर समा जाएं, ये भाव तो है ही, लेकिन यहाँ देखिए शिव जी एक और रूप में यहाँ जो है शिव जी बैठे हुए हैं, और हर मूर्ति ऐसी है जिसको आप नजरों में बसा लेना चाहते हैं। एक बार ये मंडपम फिर से दिखाइए, इतना खूबसूरत मंडप आपने शायद ही किसी मंदिर में देखा हो,
ये देखिए भजन चल रहा है, आप मंडप दिखाते रहे। आएंगे आएंगे राम आएंगे, तो मेरी झोपड़ी के गाया भूल जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। अब लोग कहाँ से आए, कहाँ से आए? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू जम्मू से, जम्मू से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, बिजनौर, अहमदाबाद, हम रामपुर से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से, नासिक से, महाराष्ट्र, अमरोहा से। आप देख रहे हैं पूरा इंडिया यहाँ है, कौन छूट गया? कटरा वैष्णो देवी से पूरा इंडिया यहाँ खड़े होकर प्रभु राम के गीत गा रहा है। कैसा लग रहा है मंदिर देखकर? मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध। जय जय श्री राम। आप लोगों ने अकल्पनीय, ऐसा कभी अकल्पनीय आप लोगों ने देखे। सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ जब राम मंदिर बन रहा था तो हर आदमी इमेजिन करता था कि रामलला की मूर्ति कैसे होगी और राम मंदिर कैसे होंगे। आपकी इमेजिनेशन से क्या ये और अच्छा है? बिल्कुल भव्य आती सुंदर है, इतना अच्छा नहीं सोचे थे, सपनों से सुंदर हमारा परम सौभाग्य है, यहाँ से जाने का जी नहीं कर रहा है, यही कह रहे हैं। त्रेता युग टू है, ये त्रेता युग टू है। 1990 में भी हम आए, 1992 में भी आए, और फाउंडेशन रखी के जब भी आए, और फिर वो राम ने आप भी बुलाया। जय श्री राम के नारे गूंजते हुए, और ये प्रभु प्रभु को देखिए, माता पार्वती के साथ, और नंदी जी को देखिए, नंदी जी यहाँ मौजूद, प्रभु शिव जी और माता पार्वती जी। तो आप ये भाव कहाँ से ले आएंगे? आप देखिए जो ये भाव है कि लोग जो है बस इन यादों को समेटते चल रहे हैं, और ये जिस तरह से मंदिर को सजाया गया, आप कितने मंदिर आए होंगे लेकिन आपने ऐसा भाव नहीं देखा होगा कि लोग अंदर आ रहे हैं, और अभी तो लिमिटेड लोग हैं। आप सोचिए रोज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब लोग यहाँ पहुंचेंगे तो क्या तस्वीर होगी, क्या भाव होगा, वो देखने लायक होगा। तो प्रभु श्री राम के इस मंदिर से एक बार चारों तरफ देखते हुए